तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसा कि आपको पता है कि चैनल पर HTML कोर्स सीरीज चल रही है और एडवांस टैग सीरीज के अंदर आज है डेट 37। जनाब आज के दिन हम लोग सीखने वाले एड्रेस टैग के बारे में। एड्रेस टैग क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं HTML के अंदर, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज जो हमारा टॉपिक है एड्रेस टैग का, उसको कैसे यूज करते हैं HTML के अंदर। सबसे पहले आपको कोई सा भी कोड एडिटर खोल लेना है। मैं यहाँ पे मोबाइल में SPC कोड एडिटर का यूज कर रहा हूं। आप लैपटॉप में विजुअल स्टूडियो कोड का, मैकबुक में विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर HTML कोडिंग चाहे जहां पर करो सेम ही होती, क्योंकि ब्राउजर पे डिपेंड करती है, कंपाइलर पे डिपेंड नहीं करती है। ओके चलिए, तो यहां पे मैं आपको बताता हूं एड्रेस टैग। सबसे पहले क्या कैसे जाता है, AD, ठीक है, ADDRESS, ठीक है, इस तरीके एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है। जब क्लोज करोगे तो ऐसे लगाकर सेम एड्रेस टैग लिखकर ऐसे क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एड्रेस टैग किस लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली आप मान लीजिए कोई भी वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट में जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो उसके ऑथर या फिर ओनर की इन्फॉर्मेशन हम लोग को ब्राउज़र को देनी होती है कि ये जो पेज है या फिर ये जो आर्टिकल है, इसका जो ऑथर है, मतलब जिसने लिखा है वो कौन है, ठीक है। ऑथर की इन्फॉर्मेशन हम लोग ब्राउज़र को देते हैं या फिर इसके मालिक की, ओनर की इन्फॉर्मेशन हम लोग ब्राउज़र को देते हैं, तो वो चीज़ देने में हमारा एड्रेस टैग मदद करता है। एड्रेस टैग के अंदर हम लोग तीन चीज़ें इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले उसका नाम होता है, दूसरा उसका कोई भी एक मतलब ईमेल वगैरह आप दे सकते हो, तीसरा उसकी वेबसाइट दे सकते हो, चौथा उसका एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। इनमें से तीन पॉइंट तो आपको एडिट करने ही होते हैं। जब आप एड्रेस टैग का कहीं पर भी यूज़ करते हो तो ब्राउज़र समझता है कि ये जो चीज़ है ये किसकी है। तो कुल मिला के आप ब्राउज़र को बताते हो कि ये ऑथर कौन है इसका, ओनर कौन है इसका, ओके। और दूसरी चीज़, आप यहाँ पे सिर्फ ब्राउज़र को नहीं बताते हो, आप यूज़र को भी बताते हो। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर उसकी खुद की ब्लॉग वेबसाइट है। ब्लॉग वेबसाइट आपने पढ़ी होगी, जहाँ पर ब्लॉग लिखे जाते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ लिखी जाती है, तो वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट राइटर होते हैं उनके खुद के, जो कंटेंट लाते हैं प्लस उनकी वेबसाइट पर लिखकर उसको पब्लिक करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के कंटेंट राइटर अपनी अपनी चीज़ें लिखकर पब्लिक करते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग ऑथर हो सकते हैं। मान लीजिए आज हमने, शुभम ने लिखा, कल आपने लिखा, तो आज शुभम ऑथर है किसी आर्टिकल के, कल आप राहुल, ठीक है, परसों सुमन, इस तरीके से अलग अलग ऑथर हो सकते हैं, तो उनको वहाँ पर नीचे क्रेडिट दिया जाता है। आप कभी किसी भी वेबसाइट पर जाना, न्यूज़ की वेबसाइट पर, जिसने भी लिखा होगा देखना, ऊपर उसको क्रेडिट दिया जाता है कि ये इसका ऑथर कौन है, किसने लिखा है। तो क्रेडिट देने के लिए भी हम लोग एड्रेस टैग का यूज़ करते हैं। तो चलिए समझते हैं एड्रेस टैग कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एड्रेस टैग को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो एड्रेस टैग इस तरीके ओपन कर लिया, एक ओपन टैग है, क्लोज टैग है, इसमें थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे, ओके। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अगर कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ इस तरीके शुभम, और उसको मैं रन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ देखो ये इटैलिक आ रहा है। बेसिकली जब आप किसी चीज़ को एड्रेस करते हो, किसी चीज़ को वहाँ पर क्रेडिट में देते हो, तो वो इटैलिक हो जाती है, जिससे वो अलग समझ में आती है कि यहाँ पे ये क्रेडिट दिया गया है, ठीक है, ये क्रेडिट का है पार्ट, या फिर ये एड्रेस किया गया है, ठीक है। मेरी बात को ये समझो कि जब भी कोई ऑथर की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो हम लोग यहाँ पे ऑथर की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एड्रेस टैग की मदद से देते हैं, और जिससे उसको कुछ प्रॉफिट हो सके, उसको कुछ क्रेडिट मिल सके, ओके। तो चलिए यहाँ पे एड्रेस टैग हम लोग ने ओपन कर लिया है। अब हम लोग को यहाँ सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटन बाई, ओके। तो हम लोग कैपिटल W यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिटन, ठीक है, रिटन बाई, ओके। तो यहाँ पे रिटन बाई, ठीक है, B कैपिटल रखना है, Y स्मॉल रखना है, कॉलन ऐसे लगा देना, थोड़ा डिजाइनर लगेगा, ठीक है। रिटन बाई लिखने के बाद अब लोग यहाँ पे एक एंकर टैग ओपन करेंगे, और एंकर टैग ओपन करने के बाद HREF एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको पहले बता रखा है, हाइपर रेफरेंस। और यहाँ बीच में हम लोगों को देना है उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस, कि अगर कोई उसके नाम पे क्लिक करता है तो डायरेक्ट उसके ईमेल पर पहुंच जाए, ठीक है। तो इस तरीके से एड्रेस किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे मैं अपना एक ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, आप जिसका भी ऑथर का इन्फॉर्मेशन दे उसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है मेल टू, ठीक है, फिर कॉलन का निशान लगाना है। कॉलन का निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैं अपने ईमेल एड्रेस का नाम लिख देता हूँ, rahulshukla39@gmail.com, ओके। इतना लिखने के बाद यहाँ पे एंकर टैग के बाद मैं अपना नाम लिख दूंगा शुभम पांडे, ठीक है, PNDY, ओके। और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज हो जाएगा, इतना हो गया। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए रिटन बाय शुभम पांडे, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो ये जैसे ही यहाँ पे कोई क्लिक करेगा, डायरेक्ट वो हमारे ईमेल एड्रेस तक पहुँच जाएगा। मैंने यहाँ पे इंटरनेट ऑफ किया, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ईमेल एड्रेस तक नहीं जा रहा हूँ। जैसे कोई क्लिक करेगा तो वो इस ईमेल एड्रेस पर पहुँच जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो गई है इससे, ओके।
अब यहाँ पे बी आर टैग यूज कर लेंगे ब्रेक लाइन टैग। ब्रेक लाइन टैग हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि एक नेक्स्ट लाइन पे हम लोग जा सके। आई होप मैंने इसको सब समझा रखा, आपको याद होगा कि बी आर क्यों यूज कर रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे विजिट। विजिट आप मान लीजिए उसको आप क्रेडिट देना चाहते हो तो उसकी वेबसाइट का या उसकी यूट्यूब चैनल का आप यहाँ पे लोकेशन दे सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे विजिट अस एट ये लिख दिया। उसके बाद में हम लोग एंकर टैग ओपन कर लेंगे इस तरीके से। एंकर टैग ओपन करने के बाद में हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट के बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर आप लोगों को उसकी वेबसाइट का नाम डालना है, ठीक है। आप वेबसाइट का नहीं है तो यूट्यूब चैनल का नाम डाल दो। यूट्यूब का बस कस्टम यूआरएल होना चाहिए, पूरा बड़ा सा गंदा सा यूआरएल नहीं डालना है। कस्टम यूआरएल मतलब छोटा सा यूआरएल, जैसे कि youtube.com/doomcoding ऐसे, वो आपको यूट्यूब की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। या फिर आप लिंक्डइन अकाउंट डाल सकते हो, उसका कोई भी सोशल मीडिया हैंडल का यहाँ पे आप डाल सकते हो। इतना हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट जो कि अभी मैंने रजिस्टर्ड नहीं की है डूम कोडिंग के लिए, पर यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं डाल देता हूँ www.doomcoding.com, ठीक है, doomcoding.com, ओके, www.doomcoding.com। अब आपको मैं बताऊँ कि वैसे तो मैं चाहूँ तो यार एक घंटे में ऐसी वेबसाइट बना सकता हूँ अपने इस चैनल के लिए डूम कोडिंग के लिए, पर यार बहुत ज़्यादा चीज़ें फिर मैनेज करने के लिए मेरे पास खुद का टाइम नहीं है। आप लोगों के लिए कोर्सेज डिज़ाइन करता हूँ, बहुत सारी अलग अलग टाइप की वीडियोस आती हैं, कंप्लीट कोर्सेज के साथ रोड मैप भी मैं लाता रहता हूँ। जैसे कि आपका एंड्रॉयड का आ चुका है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट का रोड मैप, अब डाटा साइंस का रोड मैप भी आने वाला है बहुत जल्दी। फ्रीलैंसिंग का मैं पूरा तैयारी कर रहा हूँ, एक कोर्स बना रहा हूँ फ्रीलैंसिंग के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं वेबसाइट नहीं बना रहा हूँ डूम कोडिंग की। नहीं तो मैं बनाऊँ उस पर अपने कोर्सेज डाल सकता हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं, मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा। जितना मैं काम करता हूँ उतना सही से मैनेज कर पाऊँ, इसीलिए मैं बहुत कम चीज़ों में हाथ डालता हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं वेबसाइट बनाऊँगा और उस पर अपनी चीज़ों को अपलोड करूँगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे वेबसाइट है नहीं, पर एक मैंने एग्जांपल के लिए www.doomcoding.com डाल दिया है। उसके बाद आपको वहाँ पे यूज़र को दिखाने के लिए एक बार फिर से लिखना होता है, ठीक है, www.doomcoding.com और यहाँ पे डॉट लगा देंगे doomcoding.com, ओके, इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोगों को एंकर टैग क्लोज कर देना होगा। एंकर टैग क्लोज करना बहुत ज़रूरी, बैक स्लैश लगाएंगे, एंकर टैग क्लोज कर दिया, ओके, इसको यहाँ पे नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पे बी आर टैग लगा देंगे जिससे अगली लाइन में हम लोगों को जाने से आसानी हो जाएगी। तो बी आर टैग यूज़ कर लिया ब्रेक लाइन, ओके। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एक तो हमारा नाम हो गया जो कि यहाँ पे ऑथर का हो गया, एक हमारा विजिट एस एट मतलब एक वेबसाइट दे दी गई है उसको क्रेडिट देने के तौर पे। यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया हैंडल, यूट्यूब, लिंक्डइन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को उसका एड्रेस देना होता है। एड्रेस कंपलसरी नहीं होता है, आप मतलब वो उसकी इच्छा पे है कि वो एड्रेस देना चाहता है या फिर नहीं देना चाहता है। अब एड्रेस देने के लिए सबसे पहले आप जहाँ पर रहते हो जिस शहर में, कोई सा भी शहर हो सकता है, एग्जांपल के लिए मैं कानपुर ले लेता हूँ, ठीक है, आप कहीं पे भी लिख सकते हो। हल्का सा कॉमा लगाएंगे, बी आर टैग क्योंकि ब्रेक लाइन टैग लेना है यहाँ पे जिससे अगली लाइन मिल जाए। उसके बाद आप जिस राज्य में रहते हो, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, कहीं पे भी रहते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे भी बी आर टैग डाल दूंगा। उसके बाद ओरिजिन डालना है कि कहाँ से हो, किस कंट्री से हो, तो इंडिया डाल देंगे, आई प्राउड ऑफ इंडिया, आई लव ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे एड्रेस टैग क्लोज है, इसको थोड़ा सा कम स्पेस कर देते हैं। और अब इसको हम लोग यहाँ पर रन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। रन करने के बाद देखिए यहाँ पे रिटन बाय शुभम पांडे, विजिट अस एट www.doomcoding.com और नीचे एड्रेस, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इस तरीके से हम लोग इसको एडवर्टाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, ओके। और आप इसको अगर CSS का यूज़ कर लेते हैं तो ये और अच्छा दिखने लगेगा और सुंदर दिखेगा। पर अभी यहाँ पे सिर्फ HTML में पढ़ा रहा हूँ, तो HTML की मदद से मैंने आपको एड्रेस करना सिखा दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अभी देखिए ये एक बॉडी टैग के अंदर इसको यूज़ किया गया, यहाँ से बॉडी टैग ऑन है और यहाँ ऑफ है, इसको बॉडी टैग के अंदर यूज़ किया गया है। तो जब बॉडी टैग के अंदर यूज़ करते हो तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसकी होगी, ये होगी ओनर की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये बॉडी टैग के अंदर यूज़ किया गया है। और जो पेज है उसका तो एक ही मालिक होगा, 10 तो हो नहीं सकते हैं। पर अगर आप इसको किसी आर्टिकल के अंदर यूज़ करते हो, मान लीजिए कोई आर्टिकल आपने लिखा है, और आर्टिकल तो बहुत लोग लिख सकते हैं, जितने भी कंटेंट राइटर हैं सबको लिखना आता है और सब अपने मनपसंद चीज़ें वहाँ पर पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल अगर मैं क्लोज करूँ यहाँ पर, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको आर्टिकल टैग के अंदर कर दिया है। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है ये आर्टिकल टैग के अंदर लिखी गई है, तो अब ये क्या हो गया, ये ऑथर की इन्फॉर्मेशन हो गई।
ओनर और ऑथर में फ़र्क होता है। ओनर तो एक ही होगा वेबसाइट का, पर ऑथर कई लोग हो सकते हैं। मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पर मैं न्यूज़ डालता हूँ, ब्लॉग की वेबसाइट है, पर आप राइटर हो, आपने अपनी कोई चीज़ डाल दी, आपका नाम राहुल है, तो आप जो पेज में जो चीज़ लिखोगे उसका ऑथर आप हो गए। किसी का नाम सुमन है तो वो उस चीज़ को डालेगा तो वहाँ पर सुमन ऑथर हो जाएंगी। ठीक है, तो अलग अलग ऑथर हो सकते हैं। कंटेंट राइटर अपनी अपनी चीज़ें डालते हैं उस वेबसाइट पर, तो अलग अलग ऑथर हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑथर की या फिर किसी भी ओनर की यहाँ पे एड्रेस करते हैं, ब्राउज़र को बताते हैं कि इसको किसने लिखा है, कौन मालिक है, प्लस यूज़र को भी बताते हैं कि किसने लिखा है, और उसको क्रेडिट देने के लिए उसकी वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल का यहाँ पे लिंक दे देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि एड्रेस टैग का कैसे यूज़ किया जाता है। मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको हर चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। अगर यहाँ पर कहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन खुला रहता है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर डाउट सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक हर चीज़ें क्लियर कर दी हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ कि ज़्यादातर ये जो चीज़ यूज़ होती है एड्रेस, ये आपका आर्टिकल टैग के अंदर यूज़ होती है। अब अगर आप आर्टिकल टैग के बारे में नहीं जानते हो कि आर्टिकल टैग क्या होता है, उसमें आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं, तो आपको इसी कोर्स के अंतर्गत वीडियो मिल जाएगी। कोर्स को ज्वाइन करो, थोड़ा पीछे की तरफ जाओ, और आपको आर्टिकल टैग के ऊपर एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, जहाँ पर डिटेल में मैंने आर्टिकल बनाना सिखाया है, तो आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो में कैसा लगा आपको लाइक करके बता सकते हो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।